गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे भाई? बढ़िया। चलिए अपने वीडियो को विजिबल कीजिए बेटा, अपने वीडियो को विजिबल कीजिए, फिर चलते हैं एक शानदार क्लास की ओर। अपना बेटा लास्ट जो टॉपिक था द हिमालयन माउंटेन रेंज, लास्ट क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था बेटा द हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालय का डिवाइडेशन। अपने बेटा टू टाइप से देखा, अकॉर्डिंग टू हाइट भी था, हिमाद्री था, मिडिल हिमालय था, द शिवालिक हिल्स थी। फिर अपने बेटा अकॉर्डिंग टू एरिया देखा, अलग अलग रीजन्स के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। अब अपन बेटा नेक्स्ट फीचर की ओर चल रहे हैं, नेक्स्ट फिजिकल रीजन द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान आज का अपना टॉपिक है बेटा, उत्तर का मैदान द नॉर्दर्न प्लेन। बेटर तरीके से समझो बेटा, काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले अपन देखते बेटा इस मैदान की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, इस मैदान की लोकेशन कहाँ है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको इंडियन मैप ध्यान है, और अगर ध्यान नहीं है बेटा तो इंडियन फिजिकल मैप देखना जो आप क्लास ऑफ कर दें, उसके बाद में भारत का जो भौतिक मानचित्र है, भौगोलिक जो मानचित्र होता है, प्राकृतिक जो मानचित्र होता है, एक बार उसे देखना, और उसे देख करके फिर आपको बेटा फील हो जाएगा, महसूस करोगे आप कि उत्तर का मैदान क्यों बना, कहाँ इसकी लोकेशन है। दिख रहा है बेटा सभी को, दिख रहा है बेटा, ये बेटा भारत। अब भारत के फिजिकल फीचर्स को एक बार वापस देखते हैं, जो भारत के बेटा भौगोलिक प्रदेश थे उन्हें वापस देखते हैं, वापस देखने के बाद अपन समझेंगे कि कैसे बना है, क्यों यह इतना उपजाऊ है। यहाँ पे बेटा आपका हिमालय माउंटेन रेंज, कल अपने देखे थे बेटा जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, ये आ गया बेटा आपके हिमालय, यहां पे आ जाएंगे बेटा आपके मध्य उच्च भूमि और प्रायद्वीप पठार, ठीक है, प्रायद्वीप पठार का एक भाग है उच्च भूमि, ठीक है, द हाईलैंड। यहां पे देखो बेटा एक ऊंचा स्थान है, यहां पे एक ऊंचा स्थान है, यहां पे छोटा नागपुर का पठार, यहां से बेटा अरावली पहाड़ियां, यहां से क्या हो गई बेटा अरावली पहाड़ियां हो गई, द प्लेट्यू। अरावली हिल्स, ध्यान है बेटा आपको हिमालय की उत्पत्ति, ध्यान है ना कि यहां पे जब भारतीय प्लेट ने
एशिया प्लेट के ऊपर प्रेशर बनाया तो 33 महासागर ऊपर उठा। ठीक है, अब अपन ध्यान देते बेटा कि इस स्थिति में जो अपना मैप बता रहा है बेटा, ठीक है, इस मैप में ध्यान दीजिए, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, पर्वत मीन्स हाईलैंड हो गई बेटा, उच्च भूमि हो गई ना, इधर अरावली की पहाड़ियाँ ये भी ऊंची हो गई, मैदान से ऊंची होती ना बेटा, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऊंचा स्थान, ठीक है, इधर छोटा नागपुर का पठार ये भी ऊंचा स्थान हो गया। अब यहाँ से जो नदियाँ बहेंगी, अब यहाँ से जो बेटा नदियाँ बहेंगी, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं पहले अपना पानी किस में भरेंगी बेटा, यहाँ पे गड्ढा बन गया ना, इधर हिमालय पर्वत ऊंची जगह हो गई, इधर अरावली ऊंची जगह हो गई, इधर बेटा आपका प्रायद्वीप पठार ऊंचा हो गया, छोटा नागपुर का पठार ऊंचा हो गया, तो यहाँ पे बेटा एक गड्ढा बन गया ना, डीप पैलेस बन गया ना, गहरा स्थान। तो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ थी बेटा पहले अपना पानी इस गड्ढे में भरेंगी। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदी चंबल है, सोन, केन, बेतवा, ठीक है, यहाँ भरेंगी। छोटा नागपुर से निकलने वाली नदियाँ भी पहले अपना पानी इस जगह पे भरेंगी। अरावली से बेटा जो नदियाँ पूर्व की ओर निकलती हैं वो भी अपना पानी कहाँ डालेंगी, पहले इस गड्ढे में डालेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा ना बेटा? अब अपने घर चलो, ठीक है, अपने अपने घर, अपने आसपास में जो हैंडपंप लगे हैं एक बार उन्हें इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये अपन बाद में समझेंगे। हिमालय की उत्पत्ति, उत्तर का मैदान, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले अपन अपने घर से समझते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस से। देखो बेटा, ये एक हेडपंप है, ऐसा ही होता ना बेटा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता लेकिन अपने ड्राइंग में ऐसा ही होता है, ठीक है, समझो बेटा। अक्सर आपने देखा होगा गांव में कि जो हैंडपंप होता है उसके चारों तरफ सीमेंटेड बना देते हैं और उसमें से एक नाली निकाल देते हैं, ड्रेनेज निकाल देते हैं ताकि पानी बाहर चला जाए। ये आ गई बेटा आपकी नाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता बेटा कि एक गड्ढा बना देते हैं इस नाली से, पहले क्या बना देते हैं कि होल बना देते हैं, डीप गड्ढा बना देते हैं, डक कर देते हैं। यहां से जो पानी आएगा बेटा पहले किस में भरेगा, इस गड्ढे में भरेगा, फिर बेटा पानी आगे बहता चला जाएगा। अक्सर महिलाएं, आजकल तो नहीं होता बेटा लेकिन पहले के समय में जब हम छोटे छोटे रहे थे, ठीक है, उस समय महिलाएं क्या होती थी, आपके विम बार, साबुन, सर्फ, एक्सल ये नहीं मिलते थे बर्तन साफ करने के लिए, मिट्टी से बर्तन साफ करती थी, ठीक है, और सभी महिलाएं पानी कहाँ से लाती थी, हैंडपंप से लेके आती थी। तो जो मिट्टी है वो हैंडपंप से पानी को साफ कर रहे हैं तो मिट्टी भी पानी के साथ बह रही है, तो मिट्टी तो बेटा यहाँ जमा होती रहती थी, मिट्टी तो यहाँ जमा रहती थी और पानी आगे चला जाता था। एक समय ऐसा आता था जब ये गड्ढा पूरी तरह से मिट्टी से भर जाता था, ठीक है, ये गड्ढा क्या होता था बेटा, पूरी तरह से मिट्टी से भर जाता था और लेवल में आ जाता था। दैट्स क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आ गया? अब मान लो यहां पे एक ऊंचा पर्वत है, पर्वत का नाम क्या बेटा, हिमालय। यहां से जो नदियां इस गड्ढे में गिर रही हैं उनकी मिट्टी तो बेटा इस गड्ढे में भरती गई और पानी धीरे धीरे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरता चला गया। कई लाखों वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि ये गड्ढा पूरी तरह से भर गया और प्लेन बन गया, ठीक है, गड्ढा भर के मिट्टी से और प्लेन बन गया। इस प्रकार उत्पत्ति हुई आपके उत्तर भारत के मैदान की। अब समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? नदियों के द्वारा जो अपनी मिट्टी बहा करके लेके आती हैं, नदियां अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके लेते आती हैं और वही मिट्टी धीरे धीरे डिपॉजिट होते हुए, जमा होते हुए, और एक समय ऐसा आया जब वह एक लेवल तक आकर के और जमा हो गई, ठीक है बेटा।
इससे आपकी उत्पत्ति किसकी होती बेटा, उत्तर के मैदान की। सिंपल सा ध्यान दे बेटा, एकदम इजी वे में समझ रहा हूँ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मैं अब आपके सामने बता सकते हो बेटा, कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय के दक्षिण में, प्रायद्वीप पठार के उत्तर में, ठीक है, अरावली के पूर्व में। जो मैदान है कौन सा है बेटा, वो उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय के साउथ साइड, पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ साइड, अरावली के ईस्ट साइड, जो बेटा प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर का मैदान कहलाता है। लोकेशन समझ में आ गया बेटा, कहाँ स्थित है लोकेशन समझ में आ गया बेटा? अब देखते हैं बेटा इसका एक संक्षिप्त परिचय, ठीक है, उत्तर के मैदान का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखो बेटा कि इस उत्तर के मैदान की स्थापना मुख्य कौन सी नदियों ने की है, ठीक है। अपन ने कहा था कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, गड्ढे में गिरती हैं, जो सोइल है उसको डिपॉजिट करती हैं, लेकिन उनमें से मेन रिवर कौन कौन सी हैं? मेन है बेटा द इंडस रिवर। इंडस बोलते हैं सिंधु नदी को, ठीक है। इंडस किसको बोलते हैं बेटा? सिंधु नदी को। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर पंजाब बहते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है, इसका भाव क्षेत्र बेटा पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। फिर है बेटा गंगा, दूसरी रिवर कौन सी है बेटा? गंगा। तीसरी रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तीसरी कौन सी है बेटा? ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों और इनकी सहायक नदियों ने मिलकर के, इन तीन नदियों और इनकी सहायक नदियों ने मिलकर के और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया है। कौन कौन सी नदियां बेटा, कौन कौन सी नदियां हैं? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत की नदियों में केवल दो नदियों को यदि अपन छोड़ दें जो पुरुषवाचक हैं, ठीक है, जो पुरुषवाचक हैं, बाकी किसी भी नदी का नाम आपको पुरुष नाम पर नहीं मिलेगा, सभी का महिलाओं पे मिलेगा। गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, गोदावरा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना बेटा। दो नदियां कौन सी है बेटा? एक तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्री नहीं है, कौन सी है बेटा? ब्रह्मपुत्र और एक दामोदर। एक तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और एक दामोदर। बाकी जितनी भी नदियां हैं उनके नाम आपको महिलाओं पे मिलेंगे, स्त्रीलिंग पे मिलेंगे, ना कि पुल्लिंग पे। यहां तक समझ में आ गया बेटा? समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए, कौन कौन सी तीन नदियों ने बनाया बेटा इस उत्तर के मैदान को? बनाने वाली मुख्य तीन नदियां कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां, और इनकी सहायक नदियां बेटा। अब देखते हैं इस मैदान की लंबाई कितनी लंबाई है बेटा? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। वाइडेथ कितनी है बेटा? चौड़ाई 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर, यानी सबसे सकरा जहाँ पे है, सबसे नैरो जहाँ पे है वहाँ पे 240 किलोमीटर चौड़ा है, और सबसे वाइडेस्ट जहाँ पे है, सबसे ज़्यादा चौड़ा जहाँ पे है वो है 320 किलोमीटर। एरिया देखो बेटा इसका क्षेत्रफल,
लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अपने वीडियो को विजुअल कीजिए बेटा। सुबह बेटा 3 नदियां हैं, द इंडस सिंधु नदी, द गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र। हो गया बेटा, चलिए डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के मैदान का वर्गीकरण। बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर भारत का मैदान, कोई मैदान का मतलब तो एक समतल मैदान से, समतल प्लेन एरिया से होता है, लेकिन उत्तर भारत का मैदान बेटा एकदम प्लेन नहीं है, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान में बहुत सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, बहुत सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं को अपने को समझना है कहाँ पे तो पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, ठीक है, और उनकी भी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है बेटा, उनकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। पहला है बेटा भाबर, फर्स्ट कौन सी आकृति आती है, भाबर। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो belt of about 8 to 16 kilometers in
प्रोवाइडेड लेइंग पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ द शिवालिक इट इज नोन एज भाबर इट इज नोन एज भाबर सेकेंड है बेटा तराई द रिवर्स री रिवर्स री एमरेज एंड क्रिएट ए वेट वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन विच नोन एज तराई विच नोन एज तराई बांगर थर्ड कौन सा बेटा बांगर द ओल्डर The older alluvium plain is known as बांगर बेटा एक बार स्क्रीन शॉट ले लो फिर इसको मैं एक साथ समझा दूंगा ठीक है बेटा फिर अपन इसके जो भी आपके फीचर्स हैं सबको एक साथ ही आपको क्लियर कर दूंगा एक बार स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से जैसे अपना टॉपिक क्या है कंप्लीट हो जाएगा लो बेटा स्क्रीन शॉट ले लो
फ्रियांशी बेटा मैं बोल रहा हूँ, तराई द रिवर री एमरेज, द रिवर री एमरेज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी, वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन विच नॉन एज तराई। आरुष रथवाल एक बार बेटा अपनी जो नेटवर्क है उसे चेक करो, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप चेक कर लें। बांगर देखो बेटा, द ओल्डर एल्यूवियम प्लेन, द ओल्डर एल्यूवियम प्लेन इज नोन एज बांगर। हो गया बेटा सभी का, हो गया? चलो खादर, देन यू आर एंड यंगर, देन यू आर एंड यंगर। एल्यूवियम प्लेन्स, प्लेन्स इज नॉन एज खादर, इज नॉन एज खादर। एक बेटा ऐसा फीचर जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन उत्तर भारत में आता है, सबसे लास्ट फीचर है उत्तर भारत के मैदानों का, ठीक है, उसको अपन बुक से एक्स्ट्रा आपको लिखवा देता हूँ, और वो है बेटा डेल्टा। लास्ट कौन सा बेटा? डेल्टा, ए डेल्टा इज एन एरिया ऑफ लो फ्लैट एंड एंड सेफ वेयर ए रिवर स्पाइट्स एंड स्पाइट्स एंड स्प्रीड्स आउट इंटू सेवरल सेवरल ब्रांचेज ब्रांचेज बिफोर
बिफोर एंट्रिंग द सी, बिफोर एंट्रिंग द सी। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक एक को समझते हैं, ठीक है बेटा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिफोर एंटरिंग द सी। एक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर आप इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। हो गया बेटा सभी का स्क्रीनशॉट? वन बाय वन देखो बेटा, आपको पता है नदियां कहां से निकल रही है बेटा, नदियों की उत्पत्ति कहां से होती है? माउंटेन से। पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, सभी को पता है बेटा। पानी हमेशा हाइट से लो एरिया की ओर ब्लो करता है। यहाँ से जब नदियाँ बेटा अपना पानी लेकर के और मैदान में आती हैं, पहाड़ों से जब मैदान की ओर आती हैं, तो इसमें बेटा दो फोर्सेस काम करते हैं, दो फोर्सेस काम करते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल पावर जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और एक जल की गतिज ऊर्जा, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और जल की गतिज ऊर्जा, इन दो बलों के कारण जो पानी होता है उसकी ताकत डबल हो जाती है। और पानी अपने साथ बेटा पहाड़ से पत्थरों को, जो स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको अपने साथ नीचे ले आता है। समझ में आ रहा बेटा? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जब नदियाँ पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ पानी, अपने साथ बेटा पहाड़ों से पत्थरों को नीचे ले आता है। यहाँ पर जब पत्थर पहुँच जाते हैं, ठीक है, अब पानी की ताकत आधी रह गई बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम खत्म हो गया, ठीक है ना, आधी ताकत हो गई। तो ये पत्थर क्या होते बेटा? यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ये पत्थर क्या होते रहते बेटा? यहाँ पे डिपॉजिट होते गए, सबसे पहले बड़े पत्थर, फिर उससे छोटे छोटे, ऐसे, ठीक है। और इनकी जो वाइडित होती है, चौड़ाई से होती बेटा 8 to 16 किलोमीटर, इससे बोलते हैं भाभर। इस रीजन को क्या नाम बोलते हैं बेटा? भाभर। किस नाम से जाना जाता है इसको? भाभर, ठीक है। नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ बड़े पत्थर बहा करके ले आती हैं, जो पर्वतों के नीचे मैदानों में जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं बेटा? अब ऐसे पत्थर पे पत्थर आ गए, ठीक है ना बेटा, तो नदियाँ इन पत्थरों के नीचे बह रही है। नदी क्या कर रही है बेटा? इन पत्थरों के नीचे बह रही है, अदृश्य हो गई, दिखाई नहीं देती, मिस्टर इंडिया बन जाती है, ठीक है। अगर आप इन पत्थरों के ऊपर भी खड़े हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके नीचे से कोई नदी भी बह रही है,
ठीक है, कौन सा रीजन कहलाता है बेटा ये, भाबर। अब जब भाबर की ऊंचाई कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, तो पानी को जिधर से भी रास्ता मिलेगा बेटा, एक मुख्य नदी कई ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से निकल रही है, 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 ऐसे निकलेगी ना अलग अलग ब्रांचेस में, इनसे बाहर। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, दलदल बन जाते हैं, वेट स्वैम्पी लैंड बन जाती है, ठीक है, आर्द्र और दलदली भूमि, जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति खूब होते हैं, जंगल होते हैं, जंगली जीव खूब होते हैं, ठीक है, ये कहलाती है तराई। ये रीजन कौन सा कहलाता है बेटा, तराई। भाबर के बाद में जब नदियाँ कई ब्रांचों में निकलती हैं, जब नदियाँ कई ब्रांचों में निकलती हैं, वहाँ पे दलदली आर्द्र और नम भूमि बन जाती है, उसे बोलते हैं तराई, ठीक है। अब वापस क्या होगा कि सारी छोटी छोटी जो ब्रांचेस थी वापस एक जगह मिल जाएंगी और एक रिवर बन गई। मान लो बेटा ये आपकी एक रिवर बन गई, नाम कोई सा भी रख देता हूँ, चाहे साबी रख लो, चाहे गंगा रख लो, चाहे ब्रह्मपुत्र रख लो, अपने ही हाथ में कोई सी मान लो, ठीक है ना बेटा। अब क्या होगा बेटा, ये कि नदी बन गई, ध्यान दें थोड़ा सा बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, दो चीज़ें समझ में आ गई ना आपको बेटा, दो समझ में आ गई अच्छे से। अब नदियों में क्या होता है बेटा कि हर साल जब बरसात होती है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है और नदियों की चौड़ाई भी बढ़ जाती है, नदियों की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। बरसात खत्म हो जाएगी, वापस नदी में पानी कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगी, जैसे ही बेटा बरसात होती है तो नदी की चौड़ाई बढ़ जाएगी क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया, हो गया ना बेटा, जैसे अपने बरसात के दिनों में नालियों का पानी सड़क तक आ जाता है, आ जाता है ना रास्ते तक, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही क्या होता बेटा कि हर साल नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, यहां तक पानी पहुंच जाता है, कहां तक पहुंच जाता है बेटा, यहां तक। मान लो एक किलोमीटर वाली नदी थी, वो डेढ़ किलोमीटर तक चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब यहां पे क्या बेटा, हर साल पानी आ रहा है, इसलिए हर साल पानी अपने साथ नई मिट्टी जमा करके चला जाता है, नई मिट्टी का क्या करता है, न्यू एलिवेल सॉइल्स को डिपॉजिट करता है। यहां पे क्या कर रहा है बेटा, वो एवरी ईयर न्यू एल्यूवियल सॉइल्स को क्या कर रहा है बेटा, वो डिपॉजिट कर रहा है, जमा कर रहा है, इसलिए ये नए मैदान है, हर साल नए बन रहे हैं बेटा, हर साल नए बनते हैं ना, हर साल पानी बरसात होगी, हर साल चौड़ाई बढ़ेगी, हर साल क्या होगा बेटा, इसका मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, खादर। ये क्या कहलाएंगे, खादर, ठीक है। बाकी फिर देखते हैं बेटा, क्लास पास यहीं ऑफ करते हैं, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एक बार इसको स्टडी करना, ठीक है बेटा। जिनके पास बुक नहीं है नेट से स्टडी करना, जिनके पास अवेलेबल है बुक से स्टडी करना। तब तक क्लास को करते हैं ऑफ, गुड डे, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।